नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडीहोलिक में। तो आज हम एक न्यू टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हो चुका था और इस मूवमेंट में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट किया। सभी लोग स्वराज चाहते थे, बस इस शब्द का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। टाउन्स में ये मूवमेंट मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ शुरू हुआ था। इसमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया और लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस को मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में बॉयकॉट किया गया एक्सेप्ट मद्रास, क्योंकि मद्रास में जस्टिस पार्टी थी और ये पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की थी और ये सोचते थे कि काउंसिल में अगर हम एंटर कर जाएं तो ये एक तरीका होगा कुछ पावर्स गेन करने का, जो समय केवल ब्राह्मण्स के पास ही हुआ करती थी। इकोनॉमिक फ्रंट पर नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट काफी ड्रामेटिक था। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया था, फॉरेन क्लॉथ्स को ह्यूज बॉनफायर्स में जला दिया गया। अब यहाँ पर आपको एक टर्म देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं पिकेट। तो ये एक तरह की फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट थी, जिसमें लोग शॉप, फैक्ट्री या ऑफिसेस की एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया करते थे। तो इसी प्रकार जो लिकर शॉप्स हुआ करती थी, जिन्हें हम दारू के ठेके कहते हैं, तो उन पर तालाबंदी की गई और इसी तरीके का उनके एंट्रेंस को ब्लॉक करके लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे। और इसके साथ साथ ह्यूज बॉनफायर्स में फॉरेन क्लॉथ्स को भी जला दिया गया। फॉरेन क्लॉथ्स का जो इंपोर्ट था वो साल 1921 और 1922 के बीच में आधा हो चुका था और इसकी वैल्यू गिरकर 102 करोड़ से 57 करोड़ तक पहुंच गई। बहुत सारी जगहों पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया और फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से भी मना कर दिया। जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट फैलने लगा, लोगों ने इंपोर्टेड क्लॉथ्स को भी पहनना बंद कर दिया और इंडियन क्लॉथ्स को पहनना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का प्रोडक्शन और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन आगे बढ़ा। लेकिन सिटीज में ये मूवमेंट धीरे धीरे बहुत सारे कारणों के चलते धीमा पड़ गया, क्योंकि खादी क्लॉथ को इस मूवमेंट में पहनने के लिए जोर दिया जा रहा था, लेकिन खादी क्लॉथ काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था मिल में प्रोड्यूस होने वाले क्लॉथ्स की अपेक्षा। इसलिए गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए वो ज्यादा देर तक मिल क्लॉथ्स को बॉयकॉट भी नहीं कर पाए। सिमिलरली जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट शुरू हुआ था, उसने भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स को स्थापित करना जरूरी था, जिससे कि उन्हें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह यूज किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्वाइन कर दिया और लॉयर्स ने गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन करना भी शुरू कर दिया। अब ग्रामीण इलाकों में ये रेबेलियन बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका था। यहाँ पर पीजेंट्स और ट्राइबल्स का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अवध में पीजेंट्स को बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे और बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो पहले एक इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में फिजी गए थे। यहाँ पर जो मूवमेंट चल रहा था वो तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ चल रहा था, क्योंकि तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स पीजेंट से बहुत ज़्यादा कर वसूल रहे थे और भी कई तरह के टैक्सेस ले रहे थे। पीजेंट्स को बेगार करनी पड़ती थी, यानी लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में बिना किसी पेमेंट के वर्क करना पड़ता था। टीनेंट्स के रूप में उनके पास टेन्योर की भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वे रेगुलरली एविक्टेड थे और किसी भी तरह के लैंड पर उनका कोई अधिकार नहीं था। पीजेंट मूवमेंट डिमांड कर रहा था कि रेवेन्यू का रिडक्शन हो, बेगार का एबॉलिशन हो और ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स का सोशल बॉयकॉट किया जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के आसपास के गांव में जाना शुरू करते हैं, विलेजर्स से बात करते हैं और उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। अक्टूबर में वो अवध किसान सभा को स्थापित करते हैं बाबा रामचंद्र और कुछ दूसरे नेताओं के साथ। एक महीने के अंदर ही 300 ब्रांचेस खुल जाती हैं अवध किसान सभा की उस क्षेत्र के आसपास के गाँव में। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, कांग्रेस का
प्रयास अवध पीजन स्ट्रगल को एक वाइडर स्ट्रगल में इंटीग्रेट करने का था, लेकिन जिस तरीके से पीजन मूवमेंट शुरू हुआ था उससे कांग्रेस लीडरशिप अनहैप्पी थी, क्योंकि और जैसे जैसे ये मूवमेंट 1921 में फैलता जा रहा था, तालुकदार्स और मर्चेंट्स के हाउसेस पर भी अटैक्स होने लगे थे और बाजारों को लूटा जा रहा था। बहुत सारी जगहों पर लोकल लीडर्स ने पीजेंट से कह दिया कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाए और लैंड को गरीबों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और ये सारी बातें महात्मा जी के नाम से फैलाई जा रही थी। ट्राइबल पीजेंट्स ने भी महात्मा गांधी के मैसेज को और स्वराज के आइडिया को एक अलग ही वे में इंटरप्रेट कर लिया था। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में एक मिलिटेंट ग्यूरिला मूवमेंट अर्ली 1920s में फैलना शुरू हो गया था, और एक ऐसी फॉर्म थी स्ट्रगल की जिसे कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया था। यहाँ पर फॉरेस्ट रीजंस में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर रखा था। वो लोग लोगों को फॉरेस्ट के अंदर जाने और उनके कैटल ग्रेस करने के लिए मना करते थे, या फिर फ्यूल वुड या फ्रूट्स कलेक्ट करने से भी रोकते थे। इस चीज ने पहाड़ी लोगों को गुस्से में ला दिया, क्योंकि न केवल इस चीज से उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट हो रही थी, बल्कि वो ये भी सोच रहे थे कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स को भी डिनाई किया जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने उन्हें बेगार कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा रोड बिल्डिंग के लिए, तो हिल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो पर्सन उन्हें लीड करने के लिए आते हैं वो काफी एक इंटरेस्टिंग फिगर हैं, जिनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। तो अलूरी सीताराम राजू ने ये क्लेम किया था कि उनके पास काफी सारी स्पेशल पावर्स हैं, जैसे वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, और अगर उन्हें बुलेट शॉट्स भी पड़ जाएं तो वो उसे भी सर्वाइव कर जाएंगे। राजू को अब रिबेल्स गॉड की इनकार्नेशन मानने लगे थे, यानी भगवान का अवतार समझने लगे थे। और राजू ने महात्मा गांधी की महानता की बात की, उन्होंने कहा कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को खादी पहनने और दारू पीना छोड़ने के लिए मनाना शुरू कर दिया। बट उसी समय उन्होंने ये भी कहा कि भारत केवल वायलेंस के यूज से ही लिबरेट हो सकता है, यानी स्वतंत्र हो सकता है, ना कि नॉन वायलेंस से। गुडेम रिबेल्स ने पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा और ग्यूरिला वॉरफेयर चलाते रहे स्वराज अचीव करने के लिए। 1924 में राजू को कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी मार दिया गया, और इसके बाद वो एक फोक हीरो के नाम से आज महान हो गए। स्वराज इन दी प्लांटेशन। अब प्लांटेशन में स्वराज की क्या स्थिति थी, तो जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अलग ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रखी थी महात्मा गांधी और स्वराज के विचार के बारे में। असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि जिस कन्फाइंड स्पेस में उन्हें बंद कर रखा है उसके बाहर या अंदर वो फ्रीली मूव कर सकें और अपने गांव से एक लिंक जोड़ सकें। 1859 के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत प्लांटेशन वर्कर्स को बिना किसी परमिशन के टी गार्डन्स को छोड़ने के लिए परमिट नहीं किया जाता था, और इनफैक्ट ये परमिशन उन्हें काफी रेयरली दी जाती थी। बट जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, इसलिए हजारों की तादाद में वर्कर्स ने अथॉरिटीज की बात को नहीं माना और प्लांटेशंस को छोड़ दिया और घर की तरफ रवाना हुए। वो मानने लगे थे कि अब गांधी राज आने वाला है, इसलिए सभी लोगों को उनके गाँव में लैंड दिया जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट हालांकि वो अपनी डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंच पाए, बीच रास्ते में ही उन्हें उनको पुलिस ने पकड़ लिया और ब्रूटली मारा। ये जो मूवमेंट्स के विजन्स थे ये कांग्रेस प्रोग्राम के तहत डिफाइंड नहीं थे। वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने स्वराज के टर्म को अपने खुद के वेज में इंटरप्रेट किया था, और वो कल्पना करने लगे कि अब एक ऐसा समय आएगा जब सारी सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी, सारे ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे। और जब वो गांधी जी का नाम जपते थे ट्राइबल्स और स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे, तो वो एक ऑल इंडिया एजिटेशन से इमोशनली रिलेट करते थे। जब वो महात्मा गांधी के नाम पर अपने सारे वर्क करते थे तो वो अपने मूवमेंट को कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जोड़ते थे।